नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दिनांक 29 अक्टूबर 2022 के लिए एक लेटर जारी किया गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के द्वारा। इसमें कहा गया है कि विद्यालयों का नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो अभी जो नवम्बर का महीना स्टार्ट हो रहा है, इसमें पूरे महीना जो है आपके विद्यालय चेक किए जाएंगे, उनका निरीक्षण किया जाएगा। तो इस आदेश में क्या क्या लिखा गया है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो करते हैं प्रारंभ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करना, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना। तो करते हैं प्रारंभ, देख लेते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय दिनांक दिए 29 अक्टूबर 2022 के लिए समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश और समस्त जिला के शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, ठीक है। इनका जो विषय रखा गया है वो देख लेते हैं, विद्यालयों के नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण किए जाने के संबंध में। महोदय, कृपया उपयुक्त विषय हस्ताक्षर के पूर्व पत्रों का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण हेतु दिनांक 18 जुलाई से लेकर 20 अक्टूबर 2022 के मध्य विशेष निरीक्षण अभियान चलाने का निर्णय लेते हुए आपको निर्देशित किया गया था कि जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों एवं जिला समन्वयकों को प्रतिदिन प्रातः 6 बजे जिला मुख्यालय पर बुलाकर उन्हें चिन्हित विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराते हुए जनपद के दूरस्थ 4 विकास खंडों का चयन किया जाए, और इन विकास खंडों के दूरस्थ विद्यालयों का पूर्व निरीक्षण अभियान में छूटे हुए विद्यालयों का निरीक्षण भी अवश्य कराया जाए। निरीक्षण के दौरान निरंतर अनुपस्थित पाए जाने वाले अध्यापकों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया था कि संबंधित निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निरीक्षण आख्या प्रतिदिन प्रेषण प्रेरणा निरीक्षण मॉड्यूल पर ऑनलाइन पर अवश्य प्रेषित किया जाए, जिसे अधोस्ताक्षरी द्वारा मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम में जनपद बार विकास खंडवार डैशबोर्ड पर अवलोकित किया जाएगा। अतः निरीक्षण आख्या को प्रतिदिन प्रेरणा निरीक्षण मॉड्यूल पर ऑनलाइन अपलोड करने पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसमें कदापि शिथिलता नहीं बरती जाए। विद्यालयों के विशेष निरीक्षण अभियान में आपकी सकारात्मक भूमिका के फलस्वरूप निरीक्षित नहीं होने वाले विद्यालयों की संख्या में आशातीत कमी हुई है, परंतु अभी भी प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 3,805 विद्यालयों में निरीक्षण नहीं किया जा सका, जिसे पूर्ण कराए जाने की आवश्यकता है। जनपदों से प्राप्त उपयुक्त अवधि में चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान में लगभग 20,896 शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि विद्यालयों के निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाना है। निरीक्षण के दौरान जो अध्यापक कर्मी अनुपस्थित पाए गए अथवा कोई अनियमितता पाई गई, इसके परिप्रेक्ष्य में जिन अध्यापकों कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई उनका अंतिम निस्तारण भी समयबद्ध रूप से प्राथमिकता पर किए जाना चाहिए। विशेष अभियान के दौरान निरीक्षण के आधार पर जिन शिक्षकों कर्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनके संबंध में ये सुनिश्चित किया जाए कि ये कार्रवाई उनके शोषण का आधार न बनी रहे। अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं, निरीक्षण अभियान के दौरान जिन शिक्षकों कर्मकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनके मामलों में नियमानुसार निर्णय लेते हुए सभी प्रकरणों का अंतिम निर्धारण दिनांक 30/11/2022 से सुनिश्चित किया जाए और इसकी रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय तथा मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए। विद्यालयों का संचालन नियमित बनाए रखने तथा पठन पाठन व्यवस्था का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दूरस्थ विकास खंडों में संचालित विद्यालयों के निरीक्षण हेतु दिनांक 1/11/2022 से 30/11/2022 की अवधि में विशेष निरीक्षण अभियान जारी रखा जाए। जिन विद्यालयों के निरीक्षण नहीं किए सके हैं उन विद्यालयों का निरीक्षण इस अभियान के दौरान अथवा सुनिश्चित किए जाए। निरीक्षण अभियानों के परिप्रेक्ष्य में अध्यापकों कार्मिकों के विरुद्ध कृत कार्रवाई की सूचना तथा इसके अनुसरण हेतु किसी एक अधीनस्थ को नामित किया जाए और इस संबंध में मुख्यालय द्वारा अपेक्षित सूचनाएं विवरण समय से उपलब्ध कराने हेतु दायित्व सौंपा जाए। दिनांक 1/11/2022 से 30/11/2022 की अवधि में निर्धारित विशेष निरीक्षण अभियान के संबंध में प्रतिदिन की सूचना सलगन गूगल सीट पर प्रतिदिन भरकर मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक वैसे को उपलब्ध कराई जाए
और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक वेशक द्वारा अपने मंडल की संकलित सूचना पाक्षिक रूप से 15/11/2022 एवं 30/11/2022 को अनिवार्य रूप से जो ईमेल आईडी दी गई है पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कृपया उपयुक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित की जाए और भवदीय विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यह था आदेश जो हमने आपके लिए बताया।